भाभी जी तो हम चाहते हैं कि हमारे और आपके चर्चे हर जबान पर हों जैसे रोमियो जूलियट के शेरी फरत के हीर के आप आप जी का, आप का? आप बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया भाभी जी अगर आपको समझ में आ जाता तो चर्चे जबान पर होना लाजमी था क्या बोले मैंने कहा भाभी जी क्या पका रही हैं? माँ नहीं बल्कि आप माँ को पका रहे हैं पापा ये क्या बकवास कर रहे हैं आप ठीक तो कह रहा हो पापा पापा आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते और अगर आपको कोई काम देना नहीं मिलता तो चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते अबरबत्ती जी काहे काहे आप अपने मुन्ना पर हाथ उठाए हाँ भाभी जी मुन्ना नहीं है ये लपूजन्ना है लपूजन्ना माँ ये पापा मुझे गाली दे रहे हैं आ जी देखिए आप अपने मुन्ना को ऐसे वैसे ना ही बोलिए हां देखिए आप उसको बिल्कुल परेशान ना कीजिए भाभी जी क्या हो गया है आपको रन्नू ढीड़ा आपको किस एंगल से बच्चा लगता है <laughs> देखिए आपकी गिदड़ की तरह <laughs> आंखें देखिए उल्लू की तरह <laughs> और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी सर्टिफाइड परमानेंट पागल है आई लाइक इट हमारे मुन्ना को ऐसा गंदा गंदा बोल के हमको हॉट कर रहे हैं भाभी जी आप तो ऑलरेडी हॉट हैं। क्या बोले भाभी जी हॉट इट्स हर्ट सही पकड़े हैं देखिए देखिए हम कह देते हैं हमरे मुन्ना को ऐसा वैसा ना ही बोले हम बता रहे हैं आपको कमान भाभी जी कमान माफ कीजिएगा भाभी जी ये पगलैट आपका बेटा है ये बात मुझे हजम हो ही नहीं रही है ये बात अगर आपको हजम नहीं हो रही है तो आपका हाजमा खराब है पापा आप चूरन खाइए लाइक इट पापा ने मुझे मारा भारती जी देखिए आपने फिर से हमरे मुन्ने को मारा ना तो हम तो क्या आप मुझे मारेंगी हाँ भाभी मुझे मारें मुझे नहीं आप हमारे मुन्ने को हमारे सामने मारेंगे तो हम आपकी आती उतारेंगे जी, अभी आप आप मुझे मारेंगे मुझ पे हाथ उठाएंगे पापा आपके कान में किसी ने सीमेंट भर दिया है क्या जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है अभी जी आप आप एक पगलैट के लिए अपने आशिक आ, मतलब अपने ये पड़ोसी के ऊपर हाथ उठाएंगे भाभी जी और मी पापा आप कितने बेशरम इंसान हैं इतनी देर से माँ और मैं आपकी बेइज्जती किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं भर भर के किए जा रहे हैं लेकिन आप टस से मस नहीं होते यानी अगर आपकी जगह कोई दूसरा गैरतमंद इंसान होता ना तो अब तक अपना मुंह काला करके गंदे नाले में नहा लेता आपका मुन्ना कर्ज नहीं चुकाएगा आपको कर्ज में डुबा देगा आ, का बात कर रहे हैं हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी जितनी जल्दी हो सके इस सक्सेना नाम के प्राणी को घर से बाहर निकालिए अबरभूति जी हम अपने मुन्ने को काहे घर से बाहर निकाले हाँ भाभी जी वो मुन्ना नहीं है गुन्ना है गुन्ना है, एक नंबर का शातिर है और कुछ देर आपके घर में और रहा ना आप का तिवारी जी का तलाक करवा देगा देखिए बरभूति जी हम आपसे कह रहे हैं हमरे मुन्ने के बारे में ऐसा ना ही बोलिए हाँ वो बहुत अच्छा है भाभी जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अनु के सामने मेरी बुराई करता है और मेरा अनु का झगड़ा करवाता है आ तो आप ऐसी चीजें करते कहा है हाँ तभी तो उसने कुछ बोला होगा वरना हमरा मुन्ना अनोखे कभी कभी झूठ ना ही बोलता है ये आप नहीं समझ रही है वो आदमी नॉर्मल नहीं है वो साइकोपैथ है वो पागल है इस क्रेजी किसी रोज अपने पागलपन के दौर में आके उसने तिवारी जी का गला दबा दिया तो आप तो बेवा हो जाएंगी विधवा और वाइट साड़ी आप पे सूट नहीं करेगी भाभी जी आई I मीन mean, सूट हर चीज करती है आप पे बट आई लाइक टू सी यू इन कलर्स यू नो भाभी जी वाइट क्या बकवास कर रहे हैं आप आ देखिए ना अनोखे के पापा ई भरबुती जी मुन्ना के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं और बोल रहे हैं उसको घर से बाहर निकाल दो पागल है वरना एक दिन आपका गला दबा देगा अच्छा हम उसे अपने घर से बाहर निकाल लें ताकि ये उसे अपने घर में रख ले है। अब अर्वती जी आ, आप उसे अपने घर में रखेंगे का हाँ साजिश तो कुछ ही ऐसी सी ही कर रहे हैं लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए हमारे बेटे पर आपकी लालची नजर नहीं पड़ने देंगे हम बेटा <laughs> बेटे की बाप की शक्ल तो देखो आंखें लालच से लबालब है और दिखा ऐसे रहे कि जैसे बेटे के लिए प्यार में मरे जा रहे हैं है? जी क्योंकि हम हैं उसके बाप <laughs> क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक ही सक्सेना के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे उफाने मार रही है क्या वजह है इसकी क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि आपके मन में अचानक सक्सेना यानी कि हमारे बेटे के प्रति इतना प्यार क्यों उफान मार रहा है भाभी जी थोड़ा पानी मिलेगा ठीक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन इस वक्त सक्साना की जरूरत मुझे आपसे कहीं ज्यादा है और मैं उसे लेकर आऊंगा समझे आप आप तो क्या आपके फरिश्ते भी नहीं ले पाएंगे भी? देखते हैं लक्ष्य से गया अच्छा। देखिए ना कहा बड़बड़ा रहे थे अरे बड़बड़ाने दो ना लेकिन तुम हमारे बेटे को घर से हिलने भी मत देना समझी नहीं नहीं हम अनोखे को अपने सीने से लगा कर रखेंगे तुम रहने दो पगली हम सीने से लगा के रखेंगे ठीक है ठीक बात यार अनु के साथ रहना ना बड़ा मुश्किल हो गया मैं तो कहूंगा डिफिकल्ट हो गया यार कितना डोमिनेट करती कितना डोमिनेट करती है यार लिमिट होती डोमिनेट करने की हर पास में मैं 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 से मैं कुछ हुई नहीं हेलो भाभी जी इतनी रात गए सड़क पर एवरी थी गुड मॉर्निंग गुड मार्निंग गुड मॉर्निंग भाभी जी भाभी जी अभी तक रात का खुमार उतरा नहीं दिल बड़ा बेचैन सा हो रहा है धड़कन किसी रेल के इंजन की तरह धक धक करके दौड़ रही है वो पल मुझे बार बार याद आ रहे हैं भाभी जी वो वो मटकना वो मस्ती वो लहराना वो नज़ाकत वो नफासत और उसके बाद एक लंबी नकाहत मेरे मेरे अरमानों को बार बार कचोट रहे हैं झंझोड़ रहे हैं मुझसे सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चंस एंड आई हैव नो आंसर जी आप क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाँ लेकिन आपकी आंखें देख के लग रहा आप, है आप रात भर सोए नहीं हैं है जी ऐसा नजारा ऐसा जलवा देखने के बाद कौन कम वक्त सो सकता है भाभी जी आप बरबुत्ते जी बरबुत्ते जी आप मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन इस मेडिटेशन भाभी जी सही पकड़े हैं बरबुत्ते जी आप ध्यान कीजिए आपके ध्यान में तो हैं क्या बोले मैंने कहा ध्यान ही कर रहा हूँ भाभी जी ध्यान ही कर रहा हूँ हाँ देखिए भगवान का ध्यान कीजिए का है ना इंसान के मन में जब गलत विचार आते हैं ना तो उसका मन बेचैन होने लगता है फिर उसका तन लगता लगता है लगता है और मन तो देखा मैंने भाभी जी तो रात को क्या टूट टूट के आपका तन डोल रहा था और का है ना भगवान का ध्यान करने से भगवान हमको इस बेचैनी से बाहर निकालते बात समझ नहीं आ रही यार रात को जलवा बिखेरती हैं और सुबह सुबह ये ज्ञान और ध्यान की बातें करती हैं भक्ति जी आप अकेले में कहा बड़बड़ाते हैं आपको ध्यान की जरूरत है जाइए जाइए आप ध्यान कीजिए बहुत जरूरत है भरभुति जी कहा बड़बड़ाते हैं आप God. भाभी जी आप वो मेन का हैं जो हमें ध्यान करने नहीं देंगे चलो कहीं खत्म ना हो जाए आज हाँ देखता हूँ अभी जी बाहर आते कि नहीं आती